तो अभी गाइस आपको इसकी ड्राइव चेक करवाएंगे। अभी आप ये देख सकते हैं बैटरियों पे चल रही है, 50 प्लस भी 80 तक बैटरियों पे चलती है, 100 तक भी चल जाती है अगर आप बैटरी फुल चार्ज हो तो। अभी फुल चार्ज नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बैटरी पे चला रहा हूँ। बाकी मेरे पाँव पे भी आप ये देख सकते हैं 30 प्लस, मैंने आपको मेंशन भी किया था कि एवरेज देती 34-30 क्योंकि बैटरी पे ज़्यादा देती है। अभी इंजन स्टार्ट होगा, इंजन पे भी इतनी ही देगी एवरेज। ये अभी इंजन मैंने स्टार्ट किया है, रेस थोड़ी देखे 33 देती है। बाकी काफ़ी टाइम से मैं चला रहा हूँ क्योंकि बैटरी फुल थी तो अभी हाफ हुई, अभी भी बैटरियों पर है। एक इसमें एक और सिस्टम है ईवी मोड का, ये ऑन करता हूँ, ये वो ऑन हो गया ईवी मोड। अब इलेक्ट्रिक वे पे हुई है गाड़ी, ये इलेक्ट्रिक पे ही चलेगी सदा जब बैटरी ख़त्म होगी। अब ये ना कंफर्म हो गई है कि बैटरी पे चलेगी, जब बैटरी ख़त्म होगी ऑप्शन आ जाएगा मीटर पे। आप इसके देख सकते हैं एक भी साउंड अंदर नहीं आ रहा है यार, क्योंकि 0 मीटर है अभी गाड़ी और इसके टायर वगैरह बहुत अच्छे हैं। अभी ये बैटरियों पे चलेगी जब तक इसकी बैटरी एंड नहीं होती, और अप्रोक्सीमेटली ये चल जाती है 30 से 35 किलोमीटर। तो ये रोड गंदी है फिर भी देखते हैं साउंड कैसा है गाड़ी में। इसको मैं साउंड म्यूज़िक बिल्कुल बंद कर दूँ फिर भी आप चेक करें। अभी ये देखें, अभी इंजन स्टार्ट मांग रहा है बट ये ऑप्शन देगा थोड़ी देर, अभी खुद ही स्टार्ट हो गया इंजन। अब इंजन पहले करेगा बैटरी चार्ज। अभी इसके जो टायर्स हैं वो कर रहे हैं बैटरी चार्ज। सस्पेंशन देखें आप इसका, अभी मैं रेस भर के दूंगा तो इंजन टायरों को भी चला रहा है और बैटरी भी चार्ज कर रहा है। अब ये टायर बैटरी चार्ज कर रहे हैं जब रेस छोड़ देते हैं, अब ये बैटरी टायरों को चला रही है। बहुत प्यारा सिस्टम है यार इसमें एक्वा में, आप मतलब के खेलती रहती हो, ड्राइव की ड्राइव है, बोर भी नहीं होते और खेलते रहते हो आप। अभी देखें बैटरी चला रही टायरों को, अभी इंजन और इंजन चला रहा है दोनों को। अब इसकी देखें तो अभी इस, ये आप इसकी दूसरी एवरेज देखिए, जो फिक्स एवरेज मैंने ली है पीछे 31-32 ठीक है, 140 किलोमीटर्स करेगी। अभी मैंने इसमें आई थिंक 1000 का फ्यूल फुल करवाया, 140 किलोमीटर करेगी। लाइट चली हुई थी 1000 का डलवाया तो 140 की रेंज आई है इसमें, वो आ रहा है 75% बैटरी पे। मैंने यूज़ किया 3.2 किलोमीटर्स मैंने टोटल फ्यूल यूज़ किया इसका, 3 लीटर फ्यूल यूज़ किया है। बाकी बहुत प्यारी एवरेज है यार इसकी, वो आ रही है जो बैटरी पे देती है एवरेज 37, 40, 42, और वो इसकी फिक्स एवरेज है फ्यूल पे लेते हैं हम 32। बहुत प्यारी एवरेज है माशाल्लाह। जिस भाई ने भी परचेज़ करनी है ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में जैसे कि फ्यूल बहुत महंगा हो गया है तो जो भी उनके लिए, और वैसे भी घर रखने के लिए गाड़ी ना बाज़ार वगैरह घूमने के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, फैमिली कार है एक बार। आप इसकी पिकअप भी आपको दिखा दें फिर इसकी, देखिए इसकी पिकअप तो इसकी अपनी है ना एक, बस इधर जैसे जो ये आ जाते हैं ना आगे बाइक वाले ये काम ख़राब कर देते हैं, इसलिए हम स्पीड मार ही नहीं सकते। और ये सुकून दे गाड़ी है, स्लो स्लो चलाओ इसको, 1500 cc इंजन है विद हाइब्रिड ठीक है। साउंड भी इसका बहुत अच्छा है गाड़ी का, और एक भी साउंड जंप का अंदर नहीं आया, और सस्पेंशन इसका ऐसा है अंदर पीछे भी जितने बंदे बैठे हैं कंफर्ट बैठेंगे, 3 बंदे इजीली बैठ जाते हैं पीछे। चलें अब हम मुझे इजाज़त दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू में मिलते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल यार सब्सक्राइब करें चैनल, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें और कुछ भी नहीं, बस सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए ठीक है। सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।